हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप मेरी बैकग्राउंड पे देख रहे हो कुछ डिफरेंट सी प्लेस है। यहाँ पे हम आ चुके हैं एडवेंचर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको लेके चलते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। और आज हमने सोचा आज संडे है, क्यों ना बाहर आउटिंग की जाए, क्योंकि बहुत दिनों से घर पे रह के आप सभी को पता है क्या हाल हो चुका है। हमारे घर के नज़दीक ही कुछ ऐसा प्लेस था जहाँ पे हम आए हुए और हमारे साथ आए हुए हमारे फ्रेंड्स, और यहाँ पे चल रही है विलेज कुकिंग। आपको पीछे दिखा देते हैं और पूरा अरेंजमेंट करके आए हैं हम यहाँ पे, और आपको लेके चलते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं कैसे हो रही है विलेज कुकिंग। तो हमारे साथ है यहाँ पे मिस्टर जगेश जी, आपको मिलाते हैं। ये हमें कुकिंग कर करके खिलाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। तो अभी भी चल रही है यहाँ पे विलेज कुकिंग, पूरा सेटअप लेके आए हम यहाँ पे, सिलेंडर को और स्टोव। और हमारे साथ है हेलो इनकी तरफ से, जिमी की तरफ से, और कुछ हमारे फ्रेंड्स पीछे मुँह छुपा के बैठे हुए हैं। तो ऐसे कुछ एंजॉय हो रहा है, कुछ जो कुछ नया होता है आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। पहले तो आप यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्ती भरा है, और ग्रीनरी बहुत है, और पानी आ जाता है यहाँ तक शाम के टाइम। तो अभी दोपहर के बजे हैं 3:30, तो हम यहाँ पे हैं। तो जैसे जैसे दिन घटता जाएगा पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। धूप इतनी है बैठना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से हमने किया हुआ है यहाँ पे देसी जुगाड़। वैसे तो हमारे पास टेंट था, मैंने आपको दिखाता हूँ कैसे सेटअप किया था। ऐसे सेटअप किया था लेकिन फिर भी किसी को पसंद नहीं आया, धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हमने प्लान को कैंसिल कर दिया, फिर हमने किया सेट उसे ऐसे देसी जुगाड़ से, ताकि बंदों को धूप ना लगे। तो अभी थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, जैसे जैसे थोड़ी धूप कम हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है। पहले हमने सोचा नहीं था कि इतनी धूप होगी, क्योंकि यहाँ पे आज बारिश वाला मौसम था। हमने सोचा मौसम बहुत औसम होगा, लेकिन धोखा हो गया। आप सोच रहे होंगे कहाँ जंगल, टेंट, कुकिंग, शुकिंग, पानी, ये कहाँ गया? तो अभी मैं घर आ चुका हूँ। हुआ क्या कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पहले तो बहुत परेशान हो रहे थे हम सभी, आपने देख लिया होगा। और जो सोचा था कि जैसा हमने सोचा था कि ऐसे इंजॉय करेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। रीज़न क्या रहा कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सभी प्रेयर कर रहे थे कि मौसम बढ़िया हो जाए, कि आज का डे अच्छे से स्पेंड कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। हुआ क्योंकि भगवान ने हमारी सुन ली, सच में सुन ली, कौन कहता नहीं सुनती, सुना उन्होंने। और इतना ज़्यादा बढ़िया चौपट पार के मौसम बढ़िया कर दिया कि सारा प्लान हमारा हो गया। चौपट तो इतना भी बढ़िया नहीं मांगा था हमने। और हमारी जो कुकिंग शुकिंग थी बीच में छोड़नी पड़ी, हमें कुकर पतीले लेके वहाँ से भागना पड़ा, और हमारी जो कुकिंग थी बीच में ही समझ गए ना छोड़नी पड़ी। रीज़न क्या था इसके पीछे कि जो तूफान था इतनी तेज़ था, वहाँ की जो डस्ट थी वो सारी हमारे
पतीले में चली गई, जिसकी वजह से हमें सारी कुकिंग को बंद करना पड़ा और सभी अपने अपने घर पे चले गए और मैं भी अपने घर पे आ गई हूँ। अभी तूफान चल रहा है, आपको लेके चलते हैं ऊपर। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ, होप आप लोगों को बढ़िया लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट नहीं करते प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको कैसा हो रखा है मौसम। बहुत बढ़िया हो रखा है मौसम, हो रखा है ऑसम। लेकिन हम चाहते थे कि अगर पहले ऐसा रहता तो ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन इतना बढ़िया भी नहीं मांगा था जितना बढ़िया भगवान ने कर दिया। तो नेक्स्ट हम जब जाएंगे तो बड़े सोच समझ के जाएंगे। तो टाइमली हम आ गए, आप पीछे मौसम देख रहे होंगे कि कैसा हो रखा है। बढ़िया रहा हम हमारा प्रोग्राम, आपके नहीं हो कोई बात नहीं, हम पार्टी कर तो ठीक है। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।